हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। होटल में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के ठहरने पर हिंदू संगठन ने खूब हंगामा किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुक्रवार को होटल हॉलीडे इन में भोपाल की एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के साथ रुकने पर बवाल मच गया। इस बात की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगा तो ये पुलिस के साथ होटल हॉलीडे इन पहुंच गए और पुलिस ने हिंदू संगठन की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा है कि लड़का बुरहानपुर का है और लड़की भोपाल की है, दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। जानकारी के मुताबिक हंगामे के बीच पुलिस लड़की और लड़के को लेकर कोतवाली थाने भी पहुंची। जांच में पता चला कि लड़के का नाम अकरम है। पुलिस ने बताया कि दोनों शाम 6 बजे से ही होटल ढूंढ रहे थे और कई होटलों में ये दोनों गए, लेकिन होटल मालिकों को ये मामला संदिग्ध लगा और किसी ने भी इन्हें ठहरने नहीं दिया, जिसके बाद ये दोनों होटल हॉलीडे इन में पहुंचे और यहां इन्हें ठहरने दिया गया। इस बात पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी TI बलजीत सिंह बेसन से उलझ गए और पुलिस से होटल मालिक पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस पर TI सिंह ने उनकी आपत्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया। TI का कहना है कि लड़की होटल हॉलीडे इन में अपनी मर्जी से रुकी हुई है, वो MBA है, उसे किसी ने भी बहला फुसला कर नहीं बुलाया है और दूसरी तरफ युवती भी किसी तरह की शिकायत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये युवती के प्राइवेसी का मामला है, उसके परिजनों को भी ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता है। बदनामी अगर होती है इसमें लड़की की तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल पुलिस ने लड़का और लड़की ये दोनों को थाने लेकर आई थी और पूछताछ करके इन दोनों लोगों को छोड़ दिया गया है, इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जो जैसा नियम है मैं वैसा कर दूंगा, आज की रात कुछ नहीं होगा, मैं जैसा होगा मैं वैसा कर दूंगा। अब आप बोलोगे वैसा नहीं करूंगा। मैं ये कहां बोल रहा हूं आपसे, वही तो बोल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अपराधी है, अपराधी का पकड़ना काम आपका है। बता दिए कि मैं अपराधी हो रहा है, यदि गुना से रोंगा लगाने का काम करूंगा, यदि वो नहीं चाहती है वो हमको बयान दे देगी, हम वैसा कर नहीं करता हूं। उनके परिवार तक नाबालिग बच्ची हो सकती है, ऐसा कुछ पुलिस द्वारा उस संबंध में तस्दीक की गई। बालिका बालिग होकर उससे पूछताछ कर ली गई थी और जो भी था वो कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चाहती थी और ना ही ऐसा कोई विषय था कि जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। बाद में उनको रुखसत कर दिया गया था। दोनों ही अलग अलग रिलीजन्स के थे? हाँ, अलग अलग रिलीजन के थे, लेकिन वो फ्री हैं, वो ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पे कोई पुलिस कार्रवाई हो सके। सर, एक वर्ग ने उसको लेकर के काफ़ी हल्ला ही मचाया, विरोध भी दर्ज कराया। प्रारंभिक सूचना कई बार ऐसी रहती है, जैसे कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग बच्ची यहाँ पर हिंदू धर्म की मिली थी, तो ऐसा लगता है कई बार कि ये भी उसी प्रकार की कोई नाबालिग बच्ची हो, तो उसकी तस्दीक कर ली गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि जिसमें अपराध की श्रेणी